इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्यक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोश्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु भगवान इच्छामि महाराज जी। अभिपिता जैन फांदला से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, अनादिकाल से आत्मा कर्म का कर्ता स्वयं है, पर जब कर्म उदय में आते हैं तो जीव दूसरों को दोष क्यों देता है? इस मन को कैसे समझाएं कि यह सब हमारे ही किए हुए पूर्व भाव के कर्म है? इसके लिए स्वाध्याय की जरूरत है, तत्व की व्यवस्थाओं को समझना जरूरी है। इसलिए ही तो अध्ययन किया जाता है कि सृष्टि की व्यवस्था कौन सी व्यवस्था किसके हाथ में है। आप कहीं जाते हैं तो उस समय यही तो पूछते हैं कि भाई कौन सी व्यवस्था किसके हाथ में, आवास व्यवस्था किसके हाथ में है, भोजन व्यवस्था किसके हाथ में है। तो ये व्यवस्थाओं को जब व्यक्ति पूछता है तो जब वहाँ के संबंध में ज्ञान हो तभी तो तुम किसी से बात कर पाओ। स्वाध्याय करोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा कर्म हमारे उदय में आया है, हमने क्या किया था, किस कारण से कौन से कर्म ने हमें क्या फल दिया है। ये स्वाध्याय से ही प्राप्त हो सकता है और इस स्वाध्याय के लिए आप स्वयं कर सकते हैं। गुरुओं का प्रवचन सुनना भी एक स्वाध्याय है। हम लोग प्रश्नों में क्या देते हैं, यही तो देते हैं हमारी जिंदगी की समस्याओं का समाधान, यही तो देते हैं तुम्हारी अशांति का कारण, यही तो बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किससे होती है, यही तो बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी आबाद किससे होती है। प्रवचन का मूल मकसद है संसार की समस्याओं का समाधान। प्रवचनों का मूल मकसद है कि संसार की समस्याओं का कारण। प्रवचनों का मूल मकसद है कि ये समस्याएं हमारी जिंदगी में क्यों आई, किसको हम दोष दे रहे हैं और कौन इसका दोषी है। इसी समझाने के लिए प्रवचन है, इसी के समझाने के लिए जिज्ञासाएं हैं और इसी बात को बताने के लिए हमारे परम पूज्य पूर्व साधु संतों ने इन ग्रंथों की रचना की। यही बताने के लिए तीर्थंकर समूषण में बैठ करके उपदेश देते हैं, सबका पर्पस यही है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब हम 48 मिनट की सामायिक करने बैठते हैं तो आसन स्थिर नहीं होता, कभी कमर में दर्द होता है, कभी मन चलायमान होता है, कभी पैरों में आकुलता होती है, तो गुरुदेव हम ऐसा क्या करें कि हमारी समस्या का निवारण हो और हम सामायिक सही ढंग से कर सकें? शारीरिक कोई भी साधना करना है तो अभ्यास से होगा। आप पहले 5 मिनट बैठिए एक आसन पर, दूसरे दिन 6 मिनट बैठिए, 7 मिनट नहीं, तीसरे दिन 7 मिनट बैठिए, आप एक एक मिनट का आसन बनाइए,
परिणाम आपको मिलेगा कि आप 6 महीने में 6 घंटे की आसन लगाने लग जाएंगे। अभ्यास चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास करो और अभ्यास से यह सब कुछ अपने आप छुटा, या फिर इतने मन में आप भूल जाएं, इतने मन में आप निश्चिंत हो जाएं कि शरीर की तरफ उपयोग न जावे। 2 कारण आपके लिए एकाग्र बना देते हैं। जब आपकी मन माफिक कोई चीज़ मिलती हो, जब आप नोट गिनते हो, उस समय आसन बदलने का ध्यान नहीं आता। दूसरा कारण है, यदि कोई आतंकवादी डाकू तुम्हें यहाँ बंदूक लगा दे, बोले यदि आसन हिलाई और कमर झुकाई तो गोली अंदर हो जाएगी, बोलो कितनी देर की आसन लगी रहेगी? तुमने कमर यूं की और गोली अंदर गई, तुमने आसन बदले के बस खटका दब जाएगा तो बोलो कितनी देर की आसन लग जाएगी बिना हिले डुले? घंटों, दिन भर गिर पड़ोगे लेकिन आसन। तो या तो तुम्हारे मन में भय हो कि आसन हिलाने से नुकसान कितना है। एक निषद्या नाम का परिचय होता है। हम लोग आसन नहीं हिलाते हैं, इसके 2-3 कारण, अभ्यास ही नहीं है, मात भय है कि आसन हिलाने से कितने जीवों की विराधना होगी, आसन हिलाने से कितना घाटा हो जाएगा। तो या तो मन में भय पैदा हो जाए, या व्यक्ति अपने उपयोग को इतना कंसंट्रेट हो जाए, एकाग्र हो जाए, कंसंट्रेशन उसका इतना हो जाए कि उसको खबर ही नहीं रहे कि मुझे कितनी देर हो गई, कितनी देर हो गई, एकाग्र हो जाए। तो एकाग्रता तुम्हारे में होती नहीं है। अब 2 ही साधन बचे, एक भय और एक अभ्यास। दिनेश कुमार जैन के दिनेश कुमार राठौर थड़ोस सिंगोली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुछ तार्किक लोग भगवान को नहीं मानते और प्रश्न करते हैं कि भगवान से एक साइकिल का आविष्कार तो हुआ नहीं, उन्होंने अपनी सवारी के लिए शेर, बैल आदि का उपयोग किया, तो हम उन्हें कैसे विश्वास दिलाएं कि भगवान कैसा होता है, उनके तर्कों को हम कैसे समझाएं? देखो, जीवन में एक ही तरीका है भगवान को दिलाने को, बुरे दिन, दुख, परेशानियां। जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, 2 तरीके हैं भगवान को, या तो सुख के दिनों में भगवान को स्वीकार कर लो, सुख के दिन में भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लो, और या फिर दुख के दिन, करना तो पड़ेगा। ज्ञानी व्यक्ति सुख के दिन में भगवान को याद करता है और अज्ञानी व्यक्ति दुख के दिन में याद करता है, करना तो पड़ेगा। ऐसा कोई दुनिया का शख्स नहीं है, मैंने एक दिन अभी धवलपुर के अंदर वसुंधरा के महल में था, वहाँ वसुंधरा से भी मैंने कहा कि तुम सारी दुनिया घूमती हो, विश्व का एक देश बताओ जो किसी न किसी गॉड को, किसी न किसी अदृश्य महाशक्ति को नहीं मानता हो, कोई एक देश बताओ, वैज्ञानिक देश बताओ, पढ़ा लिखा व्यक्ति बताओ जो किसी भगवान को नहीं मानता, किसी भी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता, विश्व में कोई एक देश बताइए, आप लोग भी बताइए, सारी दुनिया से मैं कहना चाहता हूं, कौन देश है जिसमें कोई ना कोई अदृश्य शक्ति को नहीं मानता, जो है नहीं फिर भी सब पूज रहे हैं, फिर भी स्मरण कर रहे हैं, विश्व में ऐसा कोई देश हो तो आप भी बता सकते हैं, सबके लिए छूट, एक देश बताओ। तो सारी दुनिया पागल है क्या? भारत पागल होगा, हम साधु लोग पागल होंगे, सारा मुल्क पागल नहीं होता। एक व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है, 2 चल सकते, सारी दुनिया नहीं चल सकती।
सारी दुनिया में एक भी देश नहीं है जो अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो, तो क्या सारी दुनिया गलत है? क्या अदृश्य है? आजकल मीटिंग में सम्मति बहुमत से ही दुनिया पास हो जाती है, तो हमें तो सर्वसम्मति, एक देश बताओ, आप लोग भी खोजना, जिसमें किसी गॉड की कल्पना नहीं, नाम कुछ भी हो, अदृश्य। एक वैज्ञानिक बताओ, जो किसी भी विज्ञान ने जो किसी भी देवता को, किसी भी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो, कोई एक विज्ञान। मैंने 50 वैज्ञानिकों का जीवन चरित्र पढ़ा, तो किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को मानते हैं। ये सब ऊपर से पाखंड है तुम लोगों का, कि मैं धर्म कर्म को कुछ नहीं मानता, मैं भगवान भगवान को कुछ नहीं मानता। हाँ, थोड़ा शराब का नशा चढ़ा है, एक बोतल पी रखिए, थोड़ा उतरने दो। थोड़ा पुण्य का नशा चढ़ा है, थोड़ा पुण्य रूपी बोतल का नशा चढ़ गया, इसलिए कह रहे हो थोड़ा। जिस दिन पुण्य का नशा उतर जाएगा, सड़क से यहां तक साष्टांग नमस्कार करते हुए आओगे, भगवान को तो छोड़ो, गधे को भी भगवान कहते हुए मिलोगे। भगवान को तो छोड़ो, गधे को भी बाप कहते हुए। कर्म का जब विपरीत वातावरण बनता है, एक वैज्ञानिक नहीं हुआ। ये सब ऐसे ही पाखंड है, जैसे एक राष्ट्रपति होता ना, राज्यपाल होता है, वो किसी का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता। आपने देखा, राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, ये सबको मालूम है। राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति वोट डालने जाता है कि नहीं जाता है? बोलो, तो वो किसी एक को ही वोट देता है कि सबको वोट देता है? दुनिया को दिखाने के लिए कहता है कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, जब अंदर वोट डालने का बात आती है तो एक पार्टी को वोट देता है, अंदर की बात है। ऐसे ये नास्तिक लोग जो हैं, अंदर तो एक ही है कि मानते हैं, बाहर से थोड़ा अपना डेकोरम करते हैं। दुनिया हमें धर्म कर्म नहीं मानता, थोड़ा मॉडर्नाइज, थोड़ा आधुनिकता, थोड़ा दिखाने के लिए आजकल बड़ा फैशन चल गई है। अरे मैं धर्म कर्म को नहीं मानता, उससे उनको थोड़ा अहम, कालर थोड़ी ऊंची होती है, कालर थोड़ी ऊंची दोस्तों के सामने, दुनिया के सामने। भगवान को मानते हैं तो थोड़ा कालर नीची हो जाती, दिखाने के लिए, मात दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए। जिस दिन बुरे दिन आते हैं, वही व्यक्तियां अगरबत्ती लेकर घूमते पाए जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो कहते थे शांति धारा में क्या रखा, ऊपर से लोटा ढालो पानी गंदोदक निकल जाता है, क्या है ये, इसमें कुछ नहीं, सब बेकार है, मूर्ति की सफाई के लिए किया गया है, ये प्रक्षाल है मूर्ति की सफाई के लिए। जो मेरी बहुत निंदा करते थे, कहते मिथ्यात है, घोर मिथ्यात है ये है। उन्हीं व्यक्ति के जीवन में जब एक ऐसा संकट आया, ऐसा संकट आया, अकेला बेटा था उसका, और ऐसी उसको बीमारी आई, सब डॉक्टरों ने मना कर दिया, और उस समय वो इतने हताश हो गए, उनके मन में एक ही भाव आया कि महाराज जी ने एक बार कभी प्रवचनों में कहा था, चलो अंतिम शांति धारा करवा दें। वो शांति धारा की बोली ले रहे हैं, उन्होंने कहा तुम शांति धारा की, शांति धारा तो मिथ्यात है, शांति धारा तो मिथ्यात है, भगवान की सफाई है। बोले महाराज जी, पुरानी घाव को मत खरीदो, पुरानी रगों पर हाथ मत लगाओ, आप तो शांति धारा कराओ। ने क्यों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हो? मैंने थोड़ा चला, मैंने क्यों पागल बन रहे हो? बोले महाराज जी, पागल मैं था, अब मैं सही हो गया हूं। लगभग 3 लाख रुपए की बोली गई, और वो ये सोच के आए थे कितना कभी कुछ भी हो जाए, आज शांति धारा करूंगा। मैंने कि आप मेरे से तो नहीं सुधरे, धर्म से तो नहीं सुधरे, कर्म ने सुधार दिया। जो मजिस्ट्रेट की अदालत में नहीं सुधरते हैं, वे पुलिस की रिमांडर पर सुधर जाते हैं। जो अदालत में कबूल नहीं करते, लेकिन जब पुलिस रिमांडर में लेती है, तो ज्ञानी व्यक्ति धर्म से, गुरुओं की आवाज पर सुधर जाता है, और अज्ञानी जब कर्म की ठोकरें खाता है तब सुधर जाता है। इसलिए सुधरना तो पड़ेगा,
एक वैज्ञानिक ने बहुत भारत घूमने के बाद कहा कि यदि दुनिया में तुम्हें कहीं भी शांति चाहिए तो भगवान है कि नहीं इस झगड़े में मत करना, तुम भगवान को स्वीकार कर लेना, वही तुम्हें शांति देगा, वही तुम्हारे मन को शांत कर सकता है, वही तुम्हें पापों से बचा सकता है। लेकिन बस इतना ही है कि आप सीधे सीधे मानते हैं, कोई दुख के दिनों में मानता है, ऐसा हो जाता है। संजय कुमार जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, घर में बुजुर्ग अपनी थाली में खाना जानबूझकर बिगाड़ते हैं, खाना खाकर दोनों टाइम संधि काल में सो जाते हैं, दिन रात को जागेंगे और फिर भोजन मांगेंगे जिसमें बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि घर में शांति बनी रहे और बच्चे भी संस्कारित बने रहें? बुंदेलखंड में एक कहावत है, बूढ़ा बारा एक समान, उनके साथ वही व्यवहार करिए जो बच्चे के साथ किया जाता है। नहीं मानते हैं, थोड़ा ताकत से मानो, छुपा दो, है नहीं, वो गालियां बकें तो बकने दो, वो गालियां बकें तो बकने दो, कहते है ही नहीं, सब भोजन खत्म हो गया। अच्छे से नहीं मानते हैं तो थोड़ा सा एक तरीका भी अपनाना चाहिए, जैसे बच्चे से अपनाते हैं। बच्चा नहीं मानता है तो माँ क्या करे, बाबा ले गया, अब बाबा ले गया, बस खत्म हो गया। ऐसे उनसे कह देना सब खत्म हो गया, अब है ही नहीं, कुछ ना कुछ बहाना बनाइए। यदि वो इस प्रकार से परेशान करते हैं तो, अन्यथा उनको अच्छी तरह समझा दीजिए कि इस प्रकार की स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, क्योंकि इससे संस्कार बिगड़ते हैं। यही विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु, क्या अपरिग्रह केवल धन संपत्ति और वस्तु के संग्रह तक सीमित होता है या और प्रकार का भी अपरिग्रह होता है? परिग्रह होता है, अपरिग्रह में केवल धन आदि संपत्ति आदि का त्याग किया जाता है या? दस प्रकार के परिग्रह, धन धान दासी दास कुप भांड प्रमाणाति कर्मा पूज्यवर उमा स्वामी महाराज, दस प्रकार के परिग्रह हैं। धन भी आता है, धान भी आता है, हिरण भी आता है, सुवर्ण भी आता है, और कपड़े वस्त्र मकान आदि, ये सब अपने आत्मा को छोड़ करके जो वस्तु जन्म से साथ नहीं लाए हैं उस किसी भी जिंदगी का उपयोग में लेना, वो सब परिग्रह है। दो प्रकार का परिग्रह मानना, जन्म के समय जो चीज़ें तुम नहीं लाए हो और वो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी के लिए चुनते हो, उनको संबंध बनाते हो, ये मेरी है, वे सब परिग्रह में आएंगे। जो शरीर कर्म लेकर के आए हो, यह अपरिग्रह में आता है। ध्यान में तत्व दृष्टि में शरीर भी परिग्रह है, लेकिन जब त्याग की बात आती है तो शरीर का त्याग नहीं किया जाता। जन्म के बाद जो हमने संबंध जोड़े हैं, जन्म के बाद जो हमने जिन जिन से संबंध बनाया है, वे सब परिग्रह में आएंगे, उनका त्याग करने से ही अपरिग्रह होता है। चलिएगा, ऑनलाइन सेशन के बाद अब बारी है लाइव सेशन की, आगरा के इस पंडाल में बैठे दर्शकों के द्वारा, श्रोताओं के द्वारा। सबसे पहले आवाज दे रहा हूं नीतू जैन खंदोली, और इसके बाद पीके जैन लखनऊ, तैयार रहिएगा, माइक पहुंचाएं। मेरे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुलई जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर आप तो अंतर्यामी हैं, जिस भी क्षेत्र पर जाते हैं उसकी एनर्जी आपको पता होती है। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे आगरा क्षेत्र की, इस MD जैन की, इस हरी पर्वत की, हमारे शांतिनाथ भगवान की क्या एनर्जी है आपको पता होगी? अभी मैंने भगवान की नमज तो छोड़ो, हमें तो हमें तुम्हारी नमज पकड़ में नहीं आ रही कि तुम्हारी एनर्जी क्या है। अभी यहाँ MD जैन कॉलेज के भक्तों की नमज तो पकड़ूँ, फिर भगवान की देखूंगा। अभी मैंने ऐसी नमज देखी नहीं, मेरे यहाँ नमज देखने का एक क्रम होता है।
वहाँ हमेशा फूल पत्तों से लगा पता लग जाता है कि ये पेड़ काय का है। भक्तों से पता चलता है कि यहाँ की एनर्जी क्या है। भक्तों को देख करके भी एनर्जी का पता किया जाता है। दो तरीके होते हैं, एक बीज को देखकर पता किया जाता है कि ये किसका बीज है, लेकिन बीज को से पता करना थोड़ा कठिन होता है। एक फल और पत्तों को देख करके पता चल जाता है कि इस पेड़ काय का है। ऐसा ही भक्तों को देख करके भी पता चल जाता है कि यहाँ की एनर्जी क्या है। तो अभी मैं नवल देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का क्या है, थोड़ी मोटी बीमारी हो तो पता चल जाए, बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं तो बड़ी बड़ी मशीनें लगाना पड़ेंगी, इन्वेस्ट बहुत करना पड़ेगा मुझे, बहुत इन्वेस्ट। पहले तो मेरी एनर्जी निकल जाएगी, पहले तो मेरी एनर्जी कितनी खर्च हो जाएगी, इतना मशीनें लगाना पड़ेंगी, तब कहीं बीमारी पकड़ में आएगी। और जिस दिन बीमारी पकड़ में आएगी उस दिन जरूर मैं तुम्हें बता दूंगा। और नहीं पकड़ पाया, नहीं मैं मशीन लगा पाया, मेरी एनर्जी से बाहर हुआ, तो मैं आई एम सॉरी प्लीज कह के विदा हो जाऊंगा, रेफर कर दूंगा केस को, भाई आगरा के लायक मैं नहीं, तो मैं नहीं कह रहा हूँ तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं कह दूं भैया आगरा के लायक मैं नहीं हूँ, मैं ये कह दूंगा। क्योंकि अभी मैं जांच की सोच रहा हूँ, जितनी कुवत होगी उतनी मशीनें लगा लूंगा, आगे पकड़ में तो ठीक, नहीं तो सड़क सरकारी है पैर हमारे। तो सावधान हो जाइए आगरा वालों, आपकी एनर्जी लेवल कैसी है अभी तो गुरुदेव ने बस 3 दिन में देखी है। अगर पॉजिटिव एनर्जी अपनी रखनी है तो सारे पॉजिटिव विचारधाराओं के साथ आ जाइएगा पीके जैन लखनऊ, और उसके बाद तैयार रहें सोमा जैन दिल्ली। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे छुलक जी इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरा प्रश्न भगवान आदिनाथ के जन्मभूमि के विषय में है। यहाँ पर अयोध्या में एक मंदिर बना हुआ है ऊँचे टीले पर, और उस पर आदिनाथ जी का मंदिर है। उससे पहले ये विधर्मियों का कोई कंस्ट्रक्शन था, तो वहाँ के एक श्रावक ने वहाँ के नवाब को खुश करके उसको उस जगह को मांग लिया। और उसने जब प्रूफ मांगा तो श्रावक ने कहा कि जब इसे खोदेंगे तो उसमें नंदावत और जलता हुआ दिया मिलेगा। तो उसके बाद में उसको जब खोदा गया तो वह नंदावत जलता हुआ दिया मिला। तो उस नवाब ने वो जमीन जैनों को दे दी। मेरा प्रश्न ये है गुरुवर कि जलता हुआ दीपक कैसे मिला इतनी खुदाई पर और इतने दिनों बाद भी? जलता हुआ दीपक यह मिला है, इसकी अभी अपन को प्रमाणिकता पता करना पड़ेगी कि इसकी प्रमाणिकता क्या है, इसका साक्षी कौन है, और उस समय जो दीपक जलता हुआ किसने देखा उसका साक्षी पहले पूछो। साक्षी के बाद मिल भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा कभी कभी देवता यहाँ से गुजरते हैं और उनको कहीं कोई अतिशय चमत्कार की स्थिति बनती है तो वो इस प्रकार की घटना को घटा सकते हैं। अदृश्य रूप से दीपक को जलाकर तुम्हारे लिए उस स्थान की महिमा बता सकते हैं। नंद्यावर्त की स्थापना जहाँ तक सवाल है कि नंद्यावर्त वहाँ पर पहले ये परंपराएं थीं, आजकल आप लोगों ने गौण कर दी। नंद्यावर्त की स्थापना मंदिर के शिलान्यास में की जाती थी। नंद्यावर्त आचार्य देशभूषण महाराज ने भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हाँ यही स्थान है जहाँ भगवान आदिनाथ का जन्मभूमि है। देखो जन्मभूमि बताना अलग चीज़ है, और जलता हुआ दीपक पूज्यवर देशभूषण महाराज ने बताया था क्या? नहीं, वो जलते हुए बाकी जन्मभूमि का स्थान बता सकते हैं। वही बता, क्योंकि मैं अयोध्या गया नहीं हूँ इसलिए मेरे लिए इस संबंध में पूरा नॉलेज नहीं है, और बताया था तो ठीक बताया होगा। अच्छा चलिएगा अगला प्रश्न सीमा जी दिल्ली, जिससे पहले पूछें तैयार रहिएगा। हमारे मध्य आज विशेष अतिथि पधारे हैं टोंक जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान भागचंद जी जैन साहब, कोषाध्यक्ष अरविंद जी कपास वाले, और सुनील जी ये सुधा सागर स्कूल टोंक के भी सभी कमेटी के लोग हैं। मैं अनुरोध करूंगा यहां पर आकर श्रीफल
अर्पण करें और मेरी कमेटी की ओर से राजेश जी जैन सेठी गया वाले स्वागत करेंगे और अनिल जी रईस उनका सहयोग देंगे और साथ में हमारे मनीष जी सहयोग देंगे। जिज्ञासा और जिज्ञासा। हाँ जी, महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सैर करते हैं पार्क में तो जीव होते हैं, तो सर्दी और गर्मी में तो फिर भी थोड़ा कम होता है, बरसात में बहुत ज़्यादा जीव हिंसा होती है, तो हम जैसे नमोकार मंत्र की जाप देते हुए या आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जाप देते हुए अपने आराध्य गुरु की जाप देते हुए अगर सैर करें तो थोड़ा जीव हिंसा कम लगती है क्या? सावधानी, हम तो यही कहेंगे सावधानी रखो, देख करके चलो, जीवों को बचाना चाहिए। माला फेर करके किसी का प्राण लेने से हम सहमति नहीं देंगे। हम यही कहेंगे जीवों को देख करके चलो, एक छोटा सा मुलायम कपड़ा रखो कि कोई जीव आ जाए तो उनको उस कपड़े से हटा करके फिर आगे विचरण करो। हमारा तो यही उपदेश है। नमस्ते महाराज। चलिए अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं दिलीप जी जैन बहादुरपुर। दिलीप जी जैन और उसके बाद शशि जैन हिसार, प्लीज रेडी रहिएगा। जी अगला प्रश्न प्लीज। दिलीप जी हैं क्या? नमस्तु महाराज जी। नमस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अपन अभिषेक करने जाते हैं सुबह, तो अभिषेक के समय बीच में से अपन अभिषेक करके आ जाते हैं और शांति धारा नहीं करते, तो उसमें कौन सा पाप लगता है? अब परिस्थितियां तुम्हारी कैसी हैं उसके अनुसार, यदि आपको जल्दी जाना है तो ठीक, कोई बाधा नहीं है, और टाइम है तो शांति धारा देख कर जाओ, अच्छा है। ठीक है गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। और अगला प्रश्न पूछने के लिए शशि जैन हिसार, और उससे पहले आज बड़ा सौभाग्य है अशोक जी टोंक दूनी टोंक से हमारे मध्य पधारे हैं और आज ही आकर इन्होंने एक भक्ति कलश अभी अभी लिया है। जरा जोरदार तालियां, और लिया ही नहीं है, अपने पूरी राशि भी तुरंत जमा कराई है, अपना भक्ति कलश अशोक जी यहाँ पर, ये भी टोंक जलाई है बिल्कुल, दूनी, और दूनी, परिवार दूनी। के दूनी बिल्कुल आकर स्थापित कर दे। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। इच्छामि महाराषि। महाराषि, मेरी एक जिज्ञासा है, आजकल मुनि महाराज डॉक्टर लगाने लगे हैं, डॉक्टर से क्या मतलब है? हमारी जानकारी में नहीं है, ऐसा आगम में तो कोई उल्लेख नहीं है, बाकी कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। नमोस्तु महाराज। चलिएगा और अगला प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूं योगेश जी जैन धूलियागंज। योगेश जी के बाद तैयार रहे शांता जी। गुरुदेव नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज इच्छामि। गुरुवर, मेरा जो सवाल है वो निवोध को लेके है के हम सब निवोध से निकल के आए हैं और निवोध के भी दो बताएं कि एक नित्य निवोध होता है, एक इतर निवोध होता है, और बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल पाते हैं, उसके बाद संसार परिभ्रमण करते हैं, और अगर 2000 सागर तक मुक्ति ना पा पाए तो पुनः निवोध में चले जाते हैं, तो क्या निवोध से पहले कोई अस्तित्व नहीं था हमारा, या निवोध दोबारा निवोध से निकलने के बाद फिर उतनी ही कठिनाई से निकल पाएंगे निवोध से? निवोध ही एक अंतिम स्थान है जीव का, अनादि अनंत काल से जीव निगोध से ही प्रारंभ होता है, निगोध से नीचे कोई पर्याय नहीं होती, वहीं से निकलते हैं, और जितनी कठिनाई निगोध से निकलने में होती है द्वारा निगोध में जाने के बाद निकलने में उतनी ही कठिनाई होती है। पूज्यवर शिवकोटी महाराज की भगवती आराधनाकार ने लिखा है कि एक बार त्रिस पर्याय के बाद यदि व्यक्ति
निगोद में चला जाता है तो बहुत दुर्लभता से निकल पाता है, बहुत दुर्लभता से। तो बराबर वहाँ एक बार जाने के बाद निकलना बहुत कठिन होता है। एक आचार्यों ने जरूर एक मान्यता दी है कि एक बार निकलने के बाद द्वारा निगोद जाए तो एक पुद्गल परावर्तन, ढाई पुद्गल परावर्तन, ढाई पुद्गल परावर्तन के बाद वह जीव अपने आप निकल के आएगा। ढाई पुद्गल उत्कृष्ट काल, निगोद का जो त्रस जीव का अंतर काल निकाला, त्रस पर्याय का जो अंतर काल निकाला, तो उसमें उन्होंने ढाई पुद्गल परावर्तन कहा कि एक जीव मर करके निगोद चला गया और उत्कृष्ट रूप से ढाई पुद्गल परावर्तन काल वहाँ रहा और पुनः आकर के उसने त्रस पर्याय प्राप्त की। तो इस कथन से ये लगता है कि बीच में पुरुषार्थ से निकलेगा लेकिन ढाई पुद्गल परावर्तन का काल बहुत बड़ा होता है, बहुत असंख्यात असंख्यात चौबीस से निकल जाए तब अर्ध पुद्गल परावर्तन, पुद्गल परावर्तन ऐसा ढाई पुद्गल परावर्तन, ये आचार्यों ने कथन किया है सिद्धांत ग्रंथों में। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने, पूज्यवर नेमीचंद आचार्य महाराज ने इस प्रकार की अंतर प्रूपणा के अंतर्गत ये बात कही है। गुरुदेव, निगोद का स्वरूप कैसा होता है और इतर निगोद और नित्य निगोद में क्या फर्क है? नित्य निगोद का अर्थ होता है कि वहाँ नित्य निगोद के अर्थ में भी दो मत हैं। एक मत पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज कहते हैं कि नीचे जो कलंकला नाम की पृथ्वी है एक राजू में, वहाँ नित्य निगोदिया जीव सदा वहाँ रहते हैं। लेकिन पूज्य गुरुवरों का अन्य का ये मत भी है कि नित्य निगोदिया इतर निगोदिया पूरे तीन लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, तीन लोक ही उनका स्थान है और सारे तीन लोक में वहाँ पर भरे रहते हैं, ऐसा उल्लेख दो प्रकार का मिलता है। नमस्ते महाराज। चलिएगा अगला प्रश्न, श्राविका श्रीमती अनीता जैन हिस्सार आ जाए, उसके बाद तैयार रहिएगा। अशोक कुमार जी जैन दूनी टोंक, और इसी श्रृंखला में आज कलश स्थापित करने वालों में प्रवीण कुमार जैन, प्रियंका जैन, काव्या जैन, कृति शुभम जैन दिल्ली आ जाएं, उन्हीं के साथ अनिल कुमार जी, सीमा जैन, शुभांग युवांग जैन दिल्ली आप भी आ जाएं। प्रश्न। मेरे हृदय की गहराइयों में विराजमान गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, प्रवचन सार गाथा 238 में आचार्य कुंद कुंद देव जी ने कहा है कि अज्ञानी जीव जिन कर्मों की निर्जरा करोड़ों वर्षों में करता है, ज्ञानी जीव मन वच काय की गुप्ति का धारक होकर उन कर्मों की निर्जरा एक उच्छ्वास मात्र में कर लेता है। तो जिज्ञासा यह है गुरुदेव, क्या ऐसे ज्ञानी पंचम काल में होते हैं? उसी में आपको लिखा हुआ मिला है कि तीन गुप्ति पूर्वक जो ज्ञानी हैं, छड़ाकार ने वे ही कहा, कोटि जन्म जन्म तपे ज्ञान विन कर्म झरेंगे, ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्ति ते साज तरेंगे। त्रिगुप्ति महत्वपूर्ण है, मन वचन काय की गुप्तियाँ, तो गुप्ति से छिन माई में कर्मों का क्षय हो जाता है, पहला निर्णय तो ये है। ज्ञानी का अर्थ मात्र शास्त्रों का ज्ञानी नहीं, चार बार स्वाध्याय करता है वो ज्ञानी नहीं, ज्ञानी का अर्थ है कि जो शब्दों में चारों अनियोग का पढ़ने वाला है वो ज्ञानी नहीं, ज्ञानी का अर्थ ये नहीं कि वो शुद्ध केवली है पूरे द्वादशांग का ज्ञाता है पूरे संपूर्ण द्वादश, तो भी ज्ञानी नहीं। ज्ञानी कौन? जो त्रिगुप्ति में ढला हुआ है, चाहे भली उसको अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान है, कुछ भी उसको ज्ञान नहीं है लेकिन मन वचन काय की गुप्ति की है, गुप्ति में ढला हुए जीव को ज्ञानी कहा गया। ये शर्त विद्वान लोग भूल जाते हैं और कहते हैं ज्ञानी, यानी अपने को वो ज्ञानी मान लेते कि हमने शास्त्रों का ज्ञान है, त्रिगुप्ति छोड़ देते हैं और वहाँ त्रिगुप्ति ही हमारा ज्ञानी का विशेषण है। दूसरी बात, अब गुप्ति दो प्रकार की होती है, एक सराग गुप्ति और एक भीतराग गुप्ति। पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी छह ढाला का छह द्रव संग्रह की टीका के अंदर लिखते हैं, परमात्म प्रकाश की टीका में भी
उज्जवल ब्रह्मदेव सूर्य ने बात लिखी। गुप्ती दो प्रकार के, शराग गुप्ती और वितराग गुप्ती। शराग गुप्ती की उन्होंने परिभाषा बनाई कि सावध निर्वृत्ति, जो अशुभ क्रियाओं से, अशुभ परिणामों से, अशुभ वचनों से जो निर्वृत्त हो गया है, अशुहाद विणिवृत्ति शुभ पवित्रम जान चारित्रम, जो अशुभ मन वचन काय की क्रियाओं से रहित हो गया है, वह भी गुप्ती है। और एक गुप्ती वो कही है जो संपूर्ण पापों से और कषायों से रहित हो जाता है, वो गुप्ती कहलाती है, वो दसवें गुण स्थान से ऊपर प्राप्त होती है। तीसरी गुप्ती उन्होंने कही कि मन वचन काय तीनों का निरोध हो जाता है, वही गुप्ती कहलाती है जो चौदहवें गुण स्थान में जाके होती है। चौदहवें गुण स्थान में जाकर के जो गुप्ती होती है। अब इनमें तीन गुप्तियों में से कौन सी गुप्ती में लगाएं इसको, तो आगे एक क्षणमाई शब्द दिया है, एक क्षण में वो कर्मों का क्षय कर लेता है, एक उच्छ्वास में। हाँ, एक तो एक उच्छ्वास में जब क्षणों का क्षय होता है तो वो चौदहवें गुण स्थान वर्ती ही घटित होते हैं। यहाँ उच्छ्वास शब्द दिया है, क्षय ढालाकार ने क्षण दिया है, तो एक उच्छ्वास मात्र जो काल दिया है, यह त्रिगुप्ती जो है चौदहवें गुण स्थान में घटित होती है, क्योंकि चौदहवें गुण स्थान का काल पांच ह्रस्व अक्षर आ ई ऊ री ली, इतने बोलने में जो समय लगता है वो काल है। यदि अंतर मुहूर्त यदि श्वास का काल लेते हैं तो अंतर मुहूर्त काल को जो गुप्ती का काल है, जिसमें घातीय कर्मों का क्षय होता है, घातीय कर्मों का क्षय ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें गुण स्थान में, बारहवें गुण स्थान में जा करके एक अंतर मुहूर्त में संपूर्ण घातीय कर्मों को क्षय कर देता है। सामान्य जो शराग गुप्ती की बात कही थी, वो एक क्षण मात्र में जब कोई मुनि दीक्षा लेता है, एक क्षण पहले वो असैमी है, एक क्षण पहले वो सामान्य परिग्रह है, और एक क्षण में जैसे ही सारे पापों का त्याग करके, वस्त्रों का त्याग करके और अपने अंतर चेतना की तरफ जाता है, उस समय संसार के अशुभ कर्मों की निर्वृत्ति हो जाती। यहाँ पर जो प्रसंग आया है, ये सप्तम गुण स्थान से ऊपर का प्रसंग है, और सप्तम गुण स्थान को यदि लेते हैं तो सप्तम गुण स्थान से पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने शुद्ध उपयोग कहो, गुप्ती कहो, निश्चय सम्यक दर्शन चारित कहो, तो पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने समय सार की टीका में, प्रवचन सार की टीका में सप्तम गुण स्थान से शुद्ध उपयोग कहा है। तो सप्तम गुण स्थान से शुद्ध उपयोग और गुप्ती का लक्षण मानते हो तो आज भी पंचम काल में भी मुनि महाराज लोग अप्रमत्त गुण स्थान में जाकर के क्षण भर में कर्मों की निर्जरा करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और असंख्यात गुणी निर्जरा की अपेक्षा लेते हैं तो फिर असंख्यात गुणी निर्जरा तो होती ही है। इस प्रकार आचार्यों की विवक्षा को लेकर जघन्य रूप से आज भी शुद्ध उपयोग की दशा बनती है, उस स्थिति में आज भी यह वाक्य यह गाथा घटित होती है, लेकिन घटित होगी जघन्य रूप से, उत्कृष्ट रूप से नहीं। नमोस्तु, नमोस्तु। चलिए, अशोक कुमार जी दूनी टोंक का प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं, बड़ी प्रसन्नता है कि दिल्ली के कई कलश आ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, हमने प्रथम दिन ये बात कही थी, यह वर्षा योग मात्र आगरा का नहीं NCR उत्तर प्रदेश का है और उसका असर भी दिख रहा है। हम उम्मीद करते हैं पूरा NCR और उत्तर प्रदेश यहाँ पर कलश स्थापित करेगा, रविवार का इंतजार रहेगा, आप लोग आइएगा। और अब अशोक जी दूनी। मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, चुलक जी के चरणों में इच्छा। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हम ग्रस्त लोग जो भी बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सुनते हैं, सबके अंदर पाप का बोध होता है, तो हम क्या करें कि हमारे कोई पुण्य के भी हो। पूज्य हमारे गुरुदेव हमेशा पाप को तीन भागों में बांटते हैं, एक पाप करता है,
एक पाप होता है और एक पाप है। तो करोति क्रिया जो है, हम किसी जीव को मारने का भाव नहीं कर रहे, मारने का परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी जीव मर रहे, करने का भाव नहीं है, जीव मर रहे, हम श्वास ले रहे हैं जीव मर रहे, हम देख के चल रहे हैं फिर भी जीव मर रहे, खेती में किसानी खेती कर रहा है जीव मर रहे। तो वहाँ पर व्यक्ति मारने का भाव ना होने से उसको भी हमारे यहाँ अहिंसक कहा, क्योंकि मारने का परिणाम नहीं है। और हमारे यहाँ ये भी कहा कि जब व्यक्ति गृहस्थ में रहता है तो उस हिंसा को वह हिंसा के रूप में नहीं मानता। जैसे हम सैनिक का उदाहरण देते हैं, सैनिक 24 घंटे मारने का भाव करता है और कितने मनुष्यों को मार देता है, लेकिन उसे हत्यारा नहीं कहते, देश रक्षक कहते हैं। इसलिए अपने मरणाम करोति क्रिया से ऊपर उठ जाओ, मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा। फिर हो रही है वो तो होगी, होती है, उससे उतना नुकसान नहीं है। नमस्ते। काव्या जैन दिल्ली, और उसके बाद ब्रह्मचारी महावीर भैया जी भी तैयार रहे। काव्या दिल्ली से। अच्छा ये है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। क्या नरक में क्षायक सम्यक दर्शन होता है, और अगर होता है तो कौन से नरक तक होता है? क्षायक सम्यक दर्शन नारकियों को उत्पन्न नहीं होता। क्षायक सम्यक दृष्टि नरक जा सकता है, पूर्व में बद्ध है उसके। तो प्रथम नरक बिन षडभुज, पहले नरक में 84 वर्ष की आयु जिस प्रस्तार तक है वहाँ तक बद्धायुष को यदि है तो क्षायक सम्यक दृष्टि भी वहाँ पाया जाता और जैसे राजा श्रेणिक है। ब्रह्मचारी महावीर भैया जी को माइक्रोफोन दें। इस बीच कलश स्थापित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान नरेश जी पांड्या, श्रीमती अमिता जी पांड्या, श्री विभोर पांड्या, श्रीमती शिप्रा पांड्या, आर्या इलेक्ट्रोड्स रोज कारपेट, और श्री दिनेश पांड्या, श्रीमती यशोधरा पांड्या रोज कारपेट। आइएगा। मेरे गुरुदेव को बारम्बार नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न दिनेश जी अर्पिता सोगाणी मुंबई से है। उन्होंने जो आपने समोचरण में श्री मंडप भूमि का बताया था कि श्री मंडप भूमि में मतलब भव्य ही जीव ही जाते हैं, तो महाराज श्री की ये नियोग पूर्वक होता है, लेकिन यदि कोई परिवार सहित जा रहा है, जैसे उसकी माँ यदि अभव्य है और वो बच्चा भव्य है तो वो गोदी में है, तो ऐसे में क्या होगा? और जब वो परिवार वाले जा रहे हैं तो उसमें रुक जाएंगे या क्या होगा घटित? कि आठ वर्ष के नीचे के बच्चे एक समोषण में जाते ही नहीं, वो नैसर्गिक वहाँ व्यवस्था है कि उनको वहीं पर रोक दिया जाएगा। सम्यक दर्शन की योग्यता जब आती है तभी तक जीव जाते हैं, इसलिए गोदी वाला बच्चा तो वहाँ जाएगा ही नहीं। कोई उल्लेख अभी तक नहीं मिला कि गोदी वाला बच्चा भी समोषण में गया था। आगम में तो कहीं ऐसा उल्लेख देखने में नहीं आया। अब रही बात उसके अभव्य की, तो वो अभव्य होगा तो कोई ना कोई बहाना बना करके, निमित्त बना करके ये मान के कह देगी माँ कि बच्चा वहाँ अंदर जाके रोएगा, सभा में डिस्टर्ब कर देगा, कोई गड़बड़ कर देगा, अशुद्धि कर देगा, तो ऐसा मान करके वो किसी दाई को वहाँ दे देगी। अपने आप कोई ऐसा निमित्त बन जाएगा कि वो श्री मंडप के बाहर ही रुक जाएगा। नमस्ते महाराज। जरा तालियां बजा दो, बहुत सुंदर जानकारी मिल रही है। कुमारी ईशा जैन आ जाइएगा, और इसके बाद तैयार रहें ऋषित जैन सेक्टर 11। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छा में महाराज जी, महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम चौके में जाते हैं तो कुछ महिलाएं या फिर कुछ और श्रावक जिनका सोला ठीक नहीं होता, या फिर या तो बालों में रबड़ लगी होती है या फिर हाथों में या गले में काले धागे या फिर और कुछ धागे बंधे होते हैं, तो उससे हमारा भी सोला ख़राब हो जाता है। तो महाराज जी ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए?
ये प्रसंग आपका है, आप लोगों को शुद्धि किससे होती है, अशुद्धि अब चोटी में क्या रखा है, तो कि हम सिर उड़वा के चोटियां दिखवाते रहें क्या, क्या करें, हमारी मर्यादा है, हमारी सीमाएं, हम उतना ही कर सकते हैं जितना हो सकता है। महाराज जी उनको मना करो फिर भी नहीं सुनते हैं। हाँ तो अब मना कर नहीं करेंगे तो उनको आहार देने का पुण्य नहीं लगेगा बल्कि अशुद्धि देने का दोष लगेगा। अब हमारी तो एक मर्यादा है, हम उतना ही देख सकते हैं जितना हमारा देखने में मर्यादा है, हम और सब क्या देख सकते हैं कि तुम क्या है। अब हम तो ये भी नहीं देख सकते कि तुम्हारे कपड़े 16 के हैं कि नहीं, तुमने कह दिया तो मान लिया मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, तो कह देते भाई सब शुद्ध है, बाकी और हम ये तो सबूत मांगू क्या है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे आचार्य ने तो हमें कह दिया कि मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि बोल दी, आप बरी हो गए, अब गड़बड़ बोला है तो श्रावक पे लागू होगी धारा और अपराधी वो माना जाएगा महाराज जी। लेकिन हम उनसे छुप गए, मतलब दूसरे लोग उनसे छुप गए हैं और हमें पता है कि वो छुपे हुए, कैसे ना कैसे हम भी उनसे टच हो जाएंगे तो हमारा भी 16 खराब हो जाएगा। सब स्थानों पर गुंडागिर्दी चलती है, सब स्थानों पर झूठ सांची चलती है, वहाँ भी लोग झूठ बोल देते हैं, क्या करते हैं आप लोग 16 वाले। अब 16 वाले को किसी माजी को छू लिया, उन्हें मालूम है क्यों ने छू लिया, तूने छुआ तो नहीं, अब वो डर, नहीं माजी माजी नहीं किया, क्या ठीक है, और उसे मालूम है कि इसने छू लिया था, अब उसने कहा क्यों तूने छू तो नहीं लिया, अब वो डरे, नहीं नहीं माजी मैंने नहीं छुआ, तो दादी फिर ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें बेईमानी की हैं, ये सब चीज़ों पर तुम्हें खुद विचार करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। रिशत जैन सेक्टर 11 और इसके बाद श्रीमती सरिता जी काला जयपुर हाउस, तैयार रहिएगा। मुनि पुंगव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी अच्छे भाव चाहिए तो अच्छे चरित्र का कितना महत्व है? अच्छे भाव चाहिए तो अच्छे चरित्र का कितना महत्व है? अच्छे चरित्र से ही अच्छे भाव आते हैं। उज्जवल समंतभद्र महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, राग द्वेष निवृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष रूपी बुरे भावों को अलग करने के लिए ही चारित्र अंगीकार किया जाता है, बिना चारित्र के कभी अच्छे भाव आ ही नहीं सकते। अब वो अच्छा चारित्र कई प्रकार का है, आप गृहस्थों का अलग है, बच्चों का अलग है, परिवार का अलग है, हम मुनियों का अलग है, तो कोई ना कोई चारित्र यानी अशुभ की निर्वृत्ति हमें किए बिना, अशुभ को छोड़े बिना परिणाम कभी शुभ नहीं होते हैं। इसलिए चारित्र अशुभ भावों को बचाने के लिए साधन है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती सरिता जी काला जयपुर हाउस आगरा, इसके बाद अनिल कुमार जी रईस कमला नगर आगरा, तैयार रहिएगा। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि हम देखते हैं कि जब एक मरे हुए कीड़े को चींटियों का झुंड अपने गंतव्य स्थान की ओर ले जाता है तो बड़ी शालीनता के साथ ले जाता है, एक के पीछे एक होकर बड़ी शालीनता के साथ चलते हैं, किसी तरह की कोई धक्का मुक्की नहीं होती, किसी तरह की कोई एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, जबकि वो अशिक्षित होती हैं। लेकिन आज के शिक्षित और सभ्य समाज में हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति सफलता की और बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो अन्य व्यक्ति उसकी टांग खींचते हैं, उसको पीछे की ओर खींचते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? लेकिन वो चींटियां मरे हुए को तो ले जा रहे हैं, मरे हुए जीव के साथ तो ये लोग भी बड़े शांत चलते हैं। हमने देखा हजारों लोग जनाजे के साथ जा रहे थे मुर्दे के, बिल्कुल साइलेंट एकदम। इसलिए किसी नीतिकार को लिखा है, किसी को जिंदा में यदि रास्ता दे दो तो बात बने,
मुर्दे को तो हर व्यक्ति रास्ता दे देता है। क्या बात है, वाह महाराज जी। मुर्दे को तो हर व्यक्ति रास्ता दे देता, कोई कहने की जरूरत नहीं थी, मुर्दे को रास्ता बनाने कुछ नहीं, सब रास्ता दे देते। जिंदा को कोई रास्ता दिखा दे तो बात बनती है, मरे के तो साथ दुनिया हो जाती है, जिंदा में कोई व्यक्ति विपत्ति में साथ दे दे बहुत कठिन होता है। विपत्ति आने पर अपने भी पराये हो जाते, थोड़ा सा अशुभ कर्म का उदय आ जाए, संसार का बड़ा विचित्र है, इसलिए संसार को देकर थोड़े से अशुभ कर्म का उदय आ जाए अपने भी बेगाने हो जाते, अपने भी पराये हो जाते, अपने लोग भी उसमें शामिल हो जाते जो परम निकटवर्ती माने जाते। तो ये तो संसार का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, कमजोरी है, और जो इसको छोड़ देते हैं, जो इस बात को नकार देते हैं कि नहीं हम अच्छे समय पर साथ दें या ना दें, बुरे समय पर साथ जरूर देंगे, उन्हीं का नाम साधु संत और सज्जन कहलाता है। दुनिया में दुर्जनों की संख्या ज़्यादा है, सज्जनों की कम। सज्जन लोग हमेशा इंतजार करते हैं विपदाओं में, विपत्ति में, और कोई आगे बढ़ रहा है तो उनका साथ देने वाले लोग बहुत कम होते हैं, टांग खींचने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। इसी का नाम संसार है। यदि ऐसा संसार में नहीं हुआ होता तो फिर मोक्ष की कल्पना करना व्यर्थ था। यही सब दोस्तों संसार में हैं, तभी तो परमार्थ का मूल होता है ऐसा। नमोस्तु महाराज जी। अनिल कुमार जी रहीस कमला नगर, उसके बाद श्राविका श्रीमती मनोरमा जी जैन आगरा, और इस बीच में कलश स्थापित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं नरेंद्र कुमार जैन। भगवान के चरणों में नमोस्तु नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में चामी चामी। महाराज जी एक नई परंपरा यह है कि सुबह लोग मंदिर में आते हैं, अभिषेक किया, सांधारा करी, जाप दी, एक शास्त्र पढ़ा और चलते बने। अब पूजा करना कम कर दिया, यह सही परंपरा चालू हुई है या गलत है, शंका समाधान कर। देखो पूजा भी जरूरी है, अभिषेक भी जरूरी। अभिषेक पूजन का एक अंग है, अभिषेक कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, पूजा का ही एक अंग है, आद्य अंग अभिषेक है। इसलिए जो अभिषेक अकेले कर जाते हैं उनकी पूजा विकलांग है, जो अभिषेक पूर्वक पूजा करते हैं उसी पूजा को पूजा माना जाता है। इसलिए पूजा होना चाहिए, छोटी करो बड़ी करो बहुत छोटी करो, लेकिन पूजा करना चाहिए। पूजा किए बिना अभिषेक अपूर्ण है। नमोस्तु महाराज जी। चलिए पूजा निश्चित तौर पर आवश्यक है, और कलश स्थापित करने के लिए आ रहे हैं नरेंद्र कुमार जैन, राजीव जैन, विलास संभव, नायकी मंडी आ जाइएगा, और श्राविका मनोरमा जी अपना प्रश्न पूछें, इसके बाद प्रमोद जी RCM कमला नगर भी तैयार रहिए। जगत के जीवों का कल्याण करने वाले महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुल्लक महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि। हे भगवान मुनिराज जी, आज मतलब आचार्य ने बताया कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात है, और जो मिथ्यात हमारे सभी जैनी भाई सब जगह मंदिरों में सब जगह जाते हैं, कुदेवों को पूछते हैं, मांगते हैं, महिला भी नहीं मानती, महिलाएं भी गनगौर मानती हैं और जाने क्या क्या मानती हैं। महाराज जी उन्हें समझाते हैं तो वो मानती नहीं है, वो कहती है कि नहीं हमारा तो से चला आ रहा है, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो महाराज जी उन लोगों को समझाइए ये मिथ्या जैसे पाप को कैसे छोड़ें और सबके धारण करें, ऐसा महाराज जी सबको संदेश दीजिए। समझदार व्यक्ति जो होते हैं वो इशारे में समझ जाते हैं, जिनकी होनहार ही मिथ्यात में गई है। तो आदिनाथ अपने पोते मारीच को नहीं समझा पाए तो हम आगरा वालों को क्या समझा पाएंगे। इनको समझाने का एक ही तरीका है, या तो ये अच्छे से समझ जाएंगे, नहीं तो कर्म इनको समझा देगा, ठोकर खाने के बाद समझेंगे। जो व्यक्ति इतना नहीं समझ पा रहा है कि जो जिस कुल में जन्म दिया, जिस किस्मत ने तुम्हें जो धर्म दिया उससे तुम्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो दुनिया में तुम कहीं भी चले जाना कुछ मिलने वाला नहीं।
वसीयत मिलेगी तो चाहे बाप तुम्हें गालियां देवे, लेकिन वसीयत बाप की ही मिलेगी। पड़ोसी तुम्हें कितना भी पुचकार के रखे, लेकिन तुम्हें वसीयत मिलने वाली नहीं है। और महाराज और जो व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति समझता है, तो दूसरा बाप देवता भी कहता है, ये अपने देवता का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, जब उसी को छोड़ दिया तो कल मुझे भी छोड़ देगा। ये विचारणी बातें हैं सब। और कहते भगवान ओम शांति। अगला प्रश्न के लिए श्री प्रमोद जी जैन आरसीएम, और उसके बाद मधु जी आगरा। मधु जैन आगरा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी एक जिज्ञासा है, जैसे प्रभूषण पर्व और 16 कारण और अष्टानिका वर्ष में 3 बार आते हैं, तो हम जो प्रभूषण पर्व में व्रत लेते हैं, नियम देते हैं, संयम लेते हैं, तो वो तीनों में मान्य होंगे या भादवी वालों में मान्य होंगे? और दूसरा प्रश्न ये है, अचार में और मुरब्बे में अंतर है या एक ही है? पहली बात तो तीनों में मानना चाहिए, अब लेकिन नहीं मानते हो तो एक में ठीक है। मानने वाली मान्यता को तो 3 बार आते हैं, 3 बार मानते, लेकिन अब जितना मान सकते हो उतना अच्छा है, वो आपकी अपनी शक्ति। एक दिन का भी मानते हो तो श्रेष्ठ है, एक भादों के भी मानते हो तो श्रेष्ठ है। और जो तीनों शाखाओं के, कई लोग तीनों शाखाओं के 16 कारण करते हैं, तीनों शाखाओं के 10 लाक्षण करते हैं, और कई लोगों के बस की नहीं होती है तो एक शाखा के कर लेता है, तो ये अपनी अपनी शक्ति के ऊपर है। मुरब्बा और अचार जो हैं, दोनों क्वालिटियाँ एक ही हैं, दोनों क्वालिटियों की एक मर्यादा है, उस मर्यादा के अंदर ही वो भक्ष हैं, बाकी सब अभक्ष हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मधु जी आगरा तैयार रहे, इसके बाद कविता जैन और उसके बाद दीक्षा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जब हम कोई जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सिर्फ खुद के नाम से करें या परिवार के नाम से भी कर सकते हैं तो फल मिलेगा उसको? वो आपका खुद का अटैचमेंट है, मैंने एक दिन कहा था। अच्छा। यदि आप जिस परिवार के संबंध में सुखी दुखी होते हैं, उसके नाम से भी आप करेंगे तो आपका सुख दुख मिटाने के लिए उसके सुख दुख पर भी प्रभाव पड़ता है, कर सकते हैं। नमोस्तु मारा। कविता जी। इसके बाद दीक्षा, तेजी से जरा भेजिए। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे गुरुवर, जब हमें कोई बीमारी लग जाती है तो उसमें हमारा व्रत नियम उपवास अगर टूट जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या करने में? व्रत नियम अगर बीमारी के बीमारी आदि में टूट जाता है। हाँ। तो उसको अपनी परिस्थिति अनुसार जब स्वस्थ हो जाए तब उसको पुनः कर लेना चाहिए। और बीमारी ऐसी हो तो नहीं कर सकते अगर कभी मन? ठीक है, वो परिस्थितियाँ देख करके उसका प्राश्चित आदि गुरुओं से लिया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न लें, दीक्षा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि, इच्छामि, इच्छामि। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि संगति और संस्कार का क्या महत्व है हमारे जीवन में? संगति और संस्कार, संगति और संस्कार, संगति और संस्कार का पूरा कर्म भूमि में पूर्णता फर्क पड़ता है। संगति और संस्कार से ही जीवन की स्थिति बनती है। यदि व्यक्ति इतनी अंतर लगा लीजिए, मांसाहारी कुल में जन्मता है तो बच्चा मांस खाने लग जाता है, वही मनुष्य में शाकाहारी में जन्मता है तो शाकाहारी हो जाता है। ये संगति से आया, अच्छे कुल की संगति मिली तो अच्छे आचार आएंगे। बिना संगति के कर्म भूमि में कोई भी अच्छे संस्कार नहीं आ सकते। आज प्रातःकाल का प्रवचन इसी पे था, किस्मत से सब कुछ अच्छा मिला है, लेकिन संस्कार और संगति नहीं मिली। और ये दोनों भी मिल गए
फिर भी उसने उपादान परिणाम सुधारने का नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म भूमि में संगति और संस्कार का ही महत्व है, अन्यथा जीवन विपरीत भी हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। चलिएगा इसके बाद रुचि जैन मेरठ और फिर मधु जैन आगरा, लास्ट यही है। नमोस्तु गुरुवर, इच्छामी महर्षि। महर्षि मेरा प्रश्न ये है कि जब हम प्रथमानु योग के ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि चतुर्थ काल में जो भी राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि होते थे वो अनेक प्रकार के युद्ध क्रिया करते थे, अनेक प्रकार के भोग भोगते थे, क्रीड़ाएँ करते थे, लेकिन इस पंचम काल में हमें छोटी छोटी चीज़ों को क्रियाओं को करने में दोष नजर आता है, ऐसा क्यों महर्षि? बहुत छोटी छोटी चीज़ों में क्रियाओं में दोष नजर आता है। वो बड़े बड़े राजा जो करते थे वो धर्म के लिए करते थे, बड़ी बड़ी हिंसाएं, एक एक दिन में 10-10 हजार सैनिकों को मार डालते थे राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए। आज वर्तमान में जो स्थितियां बनती हैं उस समय की भोग विलासताएं भी थीं, लेकिन वो भोग विलासताएं जो अच्छे राजा करते थे उनकी एक मर्यादा थी। उधर भोग विलासता में लीन होते थे तो उधर धर्म भी ऐसे लीन होते थे। चक्रवर्ती के संबंध में आता है कि इतनी भोग विलासता के बाद जब वो माला फेरने बैठता था, ध्यान करने बैठता था, तो इतना एकाग्र हो जाता था कि उसके हाथ की अंगुलियों अंगूठियां नीचे गिर जाती थी, इतना श्वास मंद करता था। जो कम में सूरा सो धम में सूरा, ये नीति थी पहले। जो कर्म करने में सूर हैं तो वे धर्म करने में भी सूर थे। उधर वो युद्ध लड़ने में भी सीधे रागी थे तो एक क्षण में वैराग हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। आज की जो हिंसा है वो आज इसलिए निषेध किया जाता है कि धर्म तो कुछ कर ही नहीं रहा है, अधर्म ही कर रहा है, अधर्म की तरफ ही जा रहा है। तो पहले स्थिति, कई लोग ये बात करते हैं, एक बार आपके जैसा एक प्रश्न किया किसी ने कि बोले महाराज जी आप राम राम की कथा सुनाते हैं, आप कन्हैया की कथाएं सुना करो। मैंने क्यों? बोले रामचंद्र की कथा हम लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि जिंदगी भर बनवा जिंदगी भर। मैंने कृष्ण की, अरे महाराज कृष्ण की लीला में मजा है, उनका रास लीला, कृष्ण की लीला में अच्छा लगता है, सब खूब जो कुछ करना है सब करो। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भाई कृष्ण की सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कृष्ण ने, कृष्ण की रासलीला तुमने पसंद कर ली, लेकिन कृष्ण ने गायों को बचाने के लिए हाथ पे गोवर्धन पर्वत उठा दिया था, तुम एक भैंस का गोबर ही उठा के बता दो। अरे क्या बात, जरा जोरदार तालियां। गायों के लिए पुण्य कितना किया। आज लोग कहते हैं कि भरत बाहुबली ने युद्ध किया, दो भाई लड़े संपत्ति के ऊपर, हम लोग लड़ बैठते हैं तो क्या हुआ? हम लोग तो बातों से लड़ते हैं, भरत बाहुबली ने तो सुदर्शन चक्र चला दिया, बिल्कुल चलाया, गलत किया। लेकिन ये भी ध्यान रखो, लड़ने के बाद ऐसा वैराग हुआ, जीतने के बाद एक साल की तपस्या भी की। तो मैं तो कहता हूँ दो भाइयों को यदि भरत बाहुबली का उदाहरण देते हो तो मैं तो माला फेरूंगा, हे भगवान आगरा का प्रत्येक भाई भाई जम के लड़े, जम के लड़े, जितना लड़े उतना लड़े, पर शर्त है जो जीतेगा उसे दीक्षा लेना पड़ेगी, जो जीतेगा उसे दीक्षा लेना पड़ेगी, फिर लड़ाई का मेरा समर्थन है। तो जो कम में सूरा सो धम में सूरा, वे धर्म में भी सूर थे, धर्म करने में भी वो उतने ही निपुण थे, इसलिए आज मात्र अधर्म की तरफ जा रहे हैं। पुण्य तो कुछ कर ही नहीं रहे, धर्म तो कुछ कर ही नहीं रहे, मात्र अधर्म अधर्म की तरफ जाते हैं, इसलिए रोका जाता है। बाकी आज भी वही है, एक किसान दिन भर में हल चला करके सैकड़ों बीघा जमीन की हरियाली को हल चला देता है तो भी उसे पापी नहीं कहा जाता,
और एक गार्डन में घूमता हुआ एक पत्ता तोड़ के फेंक देते हैं तो ये पापी की कोटि में आता है। क्यों? क्योंकि उस खेती में धर्म है, उस खेती में अहिंसा है, उस खेती में वो स्वयं के प्राण बचा रहा है, परिवार के प्राण बचा रहा है, और पड़गान हो गया तो मुनिराज के प्राण बचा रहा है। कितना कार्य कर रहा है किसान। एक मुनिराज के अन्न आता है, किसान से ही आता है, उसी अन्न से मुनिराज की जिंदगी। उसने खेती करने में हिंसा की है, पक्का है, लेकिन उस खेती के गजाए हुए अन्न से एक मुनिराज को बचाया है, एक परिवार को बचाया है, स्वयं की जिंदगी बचाई है। तो ऐसा, और इसको पत्ता तोड़ने वाले ने मात हिंसा ही की है, ना स्वयं को बचाया, ना परिवार को बचाया, और ना महाराज को बचाया। तो इस प्रकार का हमें लगाना चाहिए, पहले के साधु प्रथमान युग में बराबर भोग उलास का वर्णन मिलता है, लेकिन ये वर्णन अलंकारिक भी होता है, क्योंकि एक पुराण शास्त्र की शैली होती है कि उसमें तुम अपने राजा को, नायक को कितना सुखी दिखा सकते हो, कितना वैभव संपन्न दिखा सकते हो, कितना ज़्यादा दिखा सकते हो। तो ये पुराणों की शैली भी होती है, जरूरी नहीं है कि ऐसा भोगी विलासी वो रहा ही हो, ये अलंकारिक भाषा भी होती है। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती मधु जी लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जीवन में गतिवंद कितनी बार होता है और कब कब होता है, इसकी पहचान कैसे हो? गतिवंद निरंतर चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समय भी ऐसा नहीं होता है जिसमें गतिवंद ना होता हो। आयुबंद जरूर जिंदगी में 8 बार होता है, गतिबंध तो निरंतर बनता रहता है। जी गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जिज्ञासा समाधान का ये कार्यक्रम हम यहीं संपन्न करते हैं। नित्य प्रति प्रातः ठीक 8 बजे यहाँ पर पूज्य श्री के प्रवचन प्रारंभ हो जाते हैं, आप समय से पधारिएगा। और जो सीरीज चल रही है, हर कोई दिल को छू देने वाले प्रवचन, पूरा पंडाल भरा रहता है, समय से आइएगा। आगे जगह पानी है तो शीघ्रता आइएगा। चलिएगा, आरती का सौभाग्य, कौन सौभाग्यशाली होगा जिसको आरती करने का सौभाग्य मिलेगा, बोली से हम बात करेंगे। 11,111 रुपये जो बढ़ावे सो पावे, 11,111 रुपये जो पढ़ावे, 21,221 रुपये, 21,221 रुपये जो बढ़ावे सो पावे, 21,221 रुपये, 21,221 रुपया। शीघ्रता कीजिएगा, शीघ्रता कीजिएगा। 21,221 रुपये एक, और 21,221 रुपया दो, और 21,221 रुपये एक दो, और ये तीन, और ये सौभाग्य मिला है श्रीमती सुशीला ठोरा, श्रीमती सुशीला ठोरा, अशोक कुमार, राजकुमार, विवेक कुमार, आनंद कुमार, विकास कुमार, शोभित जैन परिवार कोटा को, वो लोग आ जाएं। दूसरी आरती का सौभाग्य 11,111 रुपये जिनके भाव थे आ सकते हैं। पूछ रहा हूँ, हाँ, 11,111 हम दे रहे हैं, अगर कोई दूसरा आना चाहे तो बढ़ा सकता है। 11,000 अगर दूसरी आरती 11,111 रुपये, कोई दूसरा तो नहीं, 11,111 रुपये एक, 11,111 रुपये दो, ठीक है, और 11,111 रुपये तीन, और ये सौभाग्य मिला है पांड्या परिवार रोज कारपेट, आइएगा यहाँ पर जीवनी मंडी को। और तीसरा सौभाग्य हमारे अतिथि जो आज पधारे हैं, श्री अशोक कुमार जी दूनी टोंक, और साथ में भागचंद जी अध्यक्ष टोंक, और अरविंद जी और सुनील जी, आप सब लोग भी आएँ, बाकी सब नीचे रहेंगे, ये तीन परिवार ऊपर मंच पर आ जाएं, बाकी उसी स्थान से आरती करिए। आप लोग आइए साहब, हमारे सम्माननीय अतिथि आइए। और एक और सूचना आप सभी को दे दें, कल से
पौने तीन बजे 2:45 से स्वाध्याय की क्लासेस पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में प्रारंभ हो रही हैं। जिन लोगों को भी स्वाध्याय करना है और जो स्वाध्याय करना चाहते हैं पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में मध्याह्न 2:45 पर आ जाए। गोमठ सार ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। जनरल लोग जो स्वाध्याय में रुचि रखते हैं, जिनका थोड़ा बहुत पहले से स्वाध्याय हुआ है, बैनाड़ा जी वगैरह ने कराया है, वो ही उसमें बैठे हैं, क्योंकि सबके लिए जनरल का स्वाध्याय नहीं। जीव गोमठ सार जीव कांड है, जीव के परिणामों की क्या व्यवस्था होती है, विषय थोड़ा सैद्धांतिक है, इससे जनरल लोग ना आकर के जो रुचि है, जिनको कर्म सिद्धांत समझना है या समझते हैं, वो ही इसमें बैठने के लिए दोपहर में आए, जनरल भीड़ ना करें। चलिए आरती प्रारंभ करें, बाकी सब नीचे रहिएगा। की शुभ मंगल दीप सजाए के
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री यशोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज मेहरौनी उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष राजा चौधरी, महामंत्री राजेश मलैया, कोषाध्यक्ष मुकेश सर्राफ।